एलएलबी द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर एलएलबी के उन छात्रों के लिए जिनके सिलेबस में संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर आने वाला है और बेसिकली डिस्कशन एलएलबी के लिहाज से कर रहा हूँ, एलएलबी की परीक्षाओं के लिहाज से कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की कंपटीशन की ये क्लास नहीं है। तो स्तर एलएलबी के विद्यार्थियों का रहने वाला है। मेरा सबसे पहले आपसे आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने आने वाले इम्तिहानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थर्ड ईयर के विषयों पर भी आपके काम आने वाला है, सेकेंड ईयर में जो बचे हुए पेपर हैं उनके लिए भी काम में आने वाला है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम सीधे चलते हैं अपने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की तरफ। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरा दावा है कि मेरा जो ये डिस्कशन होगा, इसी डिस्कशन के इर्द गिर्द आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर होने वाला है। इस वीडियो से बाहर पेपर नहीं जाएगा। वैसे कहने को कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बड़ा कलिष्ट और एक बड़ा कठिन विषय है, भी थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई तकनीकी बात नहीं जिसे कि विद्यार्थियों तक सरलता से नहीं पहुंचाया जा सके। तो वही एक काम मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखिए नाम से स्पष्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब प्रॉपर्टी के जो टाइटल है, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, जो प्रॉपर्टी का स्वत्व है, स्वामित्व है, संपत्ति के अधिकार है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित कर दिए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को ट्रांसफर कहा जाता है, अंतरण कहा जाता है। यहाँ पर जब हम बेसिकली बात करते हैं तो जो ट्रांसफर की बात करें, अंतरण की बात करें, तो ये जो अंतरण है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो ये ट्रांसफर है, ये दो तरीकों से हम समझ सकते हैं। पहला तो ये होगा कि बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, कौन सा होगा, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पक्षकारों के कृत्य के द्वारा। पहला होता है पक्षकारों के कृत्य के द्वारा, दूसरा जो ट्रांसफर होता है वो होता है बाय लीगल प्रोसीजर। विधिक प्रक्रिया के द्वारा तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय लीगल प्रोसीजर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इस पर काम करेगा, ऐसे अंतरणों पर लागू होगा टीपी एक्ट, ये यहां पर टीपी एक्ट लागू होगा जो कि पार्टीज के एक्ट के द्वारा ट्रांसफर किए जाए, तो उन अंतरणों पर लागू होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। विधिक प्रक्रिया के द्वारा तो लीगल प्रोसीजर के द्वारा, जैसे किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो फादर की डेथ होने पर उसका सन, उसकी विडो, उसकी डॉटर्स, ये सब लोगों को प्रॉपर्टी अपने आप सक्सेशन एक्ट के अनुसार चली जाती है। तो यहाँ पे लीगल प्रोसीजर से अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि सक्सेशन का एक्ट बना हुआ है और वो लीगल प्रोसीजर से उसका ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो संपत्तियाँ इस तरीके से ट्रांसफर होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अंतर है लीगल प्रोसीजर से भी होता है और जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी का पक्षकारों के कृत्यों के द्वारा भी होता है। हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो पार्टीज के एक्ट से जो ट्रांसफर होते हैं उन पर ही अप्लाई होता है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पक्षकारों के द्वारा किए गए कृत्यों के अंतरण पर ही लागू होगा। दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, मृत और जीवित व्यक्ति के बीच का सव्यवहार अंतरण नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए वसीयत। वसीयत क्या है?
वसीयत एक व्यक्ति की घोषणा है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का डिस्पोजल कैसे होगा, उसकी संपत्ति का न्यायगमन कैसे होगा। लेकिन वसीयत तभी लागू होती है जबकि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वसीयत के मामलों में भी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं करने हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि टीपी एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं वो मोस्टली आपको अचल संपत्तियों से संबंधित, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड संपत्तियों पर ही लागू करने हैं। मुस्लिम लॉ पर भी टीपी एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं करने हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं टीपी एक्ट की, जो ध्यान रखना है। अब सीधे सीधे मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स में आपके सवाल पूछे जाते हैं उन पर आ जाता हूं। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी अचल संपत्ति को लेकर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि अचल संपत्ति क्या है। तो जब आप इसकी डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 3 में अचल संपत्ति की, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि अचल संपत्ति में एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आर नॉट इंक्लूडेड अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि साहब अचल संपत्ति में खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास शामिल नहीं है। जो कास्ट खड़े खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं छोटे छोटे होते हैं, और घास है, उगती फसलें हैं, वो इसमें लागू नहीं की गई, वो अचल संपत्ति नहीं मानी गई। तो कि साहब अचल संपत्ति क्या है, तो बहुत सच्चे तुम्हें कह रहा हूँ कि अचल संपत्ति में शामिल है लैंड, भूमि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लैंड उसमें शामिल है, भूमि में निर्दिष्ट की गई वस्तुएं। तो अगर हम भूमि में लैंड पे खाली प्लॉट पे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव रखते हैं, उस नींव पे बिल्डिंग खड़ी होती है, पिलर्स डालते हैं, तो वो भी अचल संपत्ति की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये भूमि में परमानेंटली इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, भूमि में निर्दिष्ट कर दी गई है। और कुछ चीज़ें परमानेंटली अटैच विद लैंड कर दी जाती है, जैसे कोई मशीनरी होती है जोड़ दी जाती है, तो वो परमानेंटली अटैच कर दी जाए तो भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा। और जो भूमि में निर्दिष्ट कर दिया जाए, जैसे हम पेड़ पौधे भूमि में लगा देते हैं, उनसे बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो वो भी अचल संपत्ति की कैटेगरी में आएगा। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि पेड़ जो है क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि हम पेड़ों को लगाने के पीछे का इंटेंशन देखेंगे। अगर पेड़ों को लगाने के पीछे का आशय पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ी को इस्तेमाल करना है तो वे अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आएंगे। बाकी भूमि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हमारे भूमि के अंदर कई सारे मेटल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि जब तक वो मेटल्स हमारी भूमि के नीचे है, दबे हुए हैं, कोयला है, अभ्रक है और भी कई मेटल्स हैं, तो ये जब तक भूमि के नीचे दबे हुए हैं तब तक तो ये अचल संपत्ति की परिभाषा में आएंगे। लेकिन जैसे ही इनका दोहन कर लिया जाए, जैसे ही इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो ये चल संपत्ति की परिभाषा में आएंगे और चोरी का विषय वस्तु बन जाएंगे। तो ये पहले डेफिनेशन जो अचल संपत्ति की थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस करी, शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकता है। तो आपको कंक्लूड कर देना है कि अचल संपत्ति में लैंड, थिंग्स परमानेंटली अटैच विद लैंड, थिंग्स इनकॉर्पोरेटेड इन लैंड, सब शामिल किया जाएगा। और मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सब भी आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। टीपी एक्ट में डेफिनेशन पोर्शन में एक डेफिनेशन आपको और मिलेगी, एक्शनेबल क्लेम, हिंदी में कहते हैं अनुयोज्य दावा। अंग्रेजी में एक्शनेबल क्लेम कहा गया, ठीक। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है मुझे नहीं लगता कि किसी के समझ आने वाली है। प्रयास भी नहीं करना चाहिए, इतना समय नहीं है, कल परसों में पेपर भी है आप लोगों का। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको
एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन कर देता हूँ और मैं समझाऊंगा भी सरी आपको यहाँ पे। मैं एक आधी सब्जेक्ट है पूरे इतने मैं काफ़ी लंबे समय से राजस्थान जुडिशियल सर्विस की क्लासेस ले रहा हूँ, एक आधी सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ये वाइट बोर्ड या इस पेन की आवश्यकता पड़ती है। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, पहले कभी सिलेबस में हिंदू लॉ हुआ करता था तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जब मैं पढ़ाता था तब भी मुझे इस पेन और बोर्ड की आवश्यकता पड़ती थी, इसके अलावा मुझे नहीं आवश्यकता पड़ती किसी सब्जेक्ट में। लेकिन आज आप लोगों के सामने टीपी को समझाना है तो इसका थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम क्या है, देखिए बहुत सिंपल बात कहने जा रहा हूँ, वो परिभाषा तो आपके सामने है, एक्ट जिन बच्चों के पास है देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस दो लाइन में कोट करता हूँ क्या एक्शनेबल क्लेम है और उन दो लाइन को यहाँ पे प्रूव भी करूँगा। तो लिख सकते हैं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं कि अनुयोज्य दावों में शामिल है एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स, क्या शामिल है, अनुयोज्य दावों में शामिल है सभी प्रकार के गैर जमानतीय अजमानतीय ऋण तथा चल संपत्ति में फायदा प्रद हित जो कि कब्जे में नहीं है। फिर से क्या, अनुयोज्य दावों में शामिल है सभी प्रकार के गैर जमानतीय अजमानतीय ऋण तथा चल संपत्ति में फायदा प्रद हित जो कि कब्जे में नहीं है। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ इनसिक्योर्ड एंड बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन टू द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो नॉट इन पोजिशन। क्या कह रहा हूं कि ऑल काइंड ऑफ इनसिक्योर्ड लोन इसमें आएंगे और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो नॉट इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन। तो अचल संपत्ति चल संपत्ति में कोई फायदा प्रद हित है वो भी शामिल है, ये है अनुयोज्य दावा। कहने में मैंने कह दिया, लिखने में आप लोगों ने लिख लिया, अब बात रही समझने की। हमने क्या कहा कि ऑल काइंड ऑफ इनसिक्योर्ड अनुयोज्य दावों में आएगी, मतलब अजमानतीय ऋण है। अगर मैं आपसे 50,000 रुपये लूँ सिर्फ मित्रता बस दोस्ती में, आप ना मुझसे कोई चेक लो ना कोई स्टाम्प लो कुछ नहीं, तो ये जो आपने मुझे लोन दिया है ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन है, तो हर तरीके का अनसिक्योर्ड लोन इसमें शामिल होता है। लेकिन चल संपत्ति में फायदा प्रतीत भी होता है, तो मैं समझाता हूँ, आप कोशिश करते चले। ये एक व्यक्ति है, उसका एक मित्र है बी और बी का एक मित्र है सी। बी और सी ये दोनों लोग प्लान करते हैं कि यार हम लोग एक गाय दो तीन गाय भैंस लाएंगे, एक तबेला खोलेंगे, दूध बेचेंगे और व्यापार करेंगे। तो दोनों ने डिस्कस किया, बोले 50,000 रुपए लगेंगे 1,00,000 रुपए। तो 1,50,000 तुम ले आओ, 50,000 तुम ले आओ, तो हम लोग व्यापार शुरू करते। अब बी ने कहा कि मेरे पास तो 50,000 रुपए है नहीं, लेकिन बी का भी एक मित्र है ए, तो बी अपने मित्र ए से कहता है कि देख भाई मेरी 50,000 रुपए की मदद कर दे यार। तो ए कहता है कि क्या करेगा 50,000 रुपए का, देख मैं व्यापार करूंगा बी के साथ मिलकर, तबेला खोलूंगा, दूध बेचूंगा, ठीक है। तो ये ने कहा मेरा क्या फायदा, देख मेरे पास पैसे नहीं है, तू मेरी मदद करेगा तो जो लाभ होगा हम दोनों के बीच में तो 1/2 हिस्सा, 1/2 लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये जो पैसा प्राप्त होगा इसका आधा पैसा मैं तुझे दूंगा। तो यहाँ पे कहता है कि 1/2 का जो हिस्सा होगा इसका हाफ हिस्सा, ये 1/2 का भी आधा हिस्सा जो है ये ए को दे देगा। ए इसकी बातों में आके इसे 50,000 रुपये उधार दे देता है। तो ए ने इसे ये 50,000 रुपये दे दिए, दोनों ने व्यापार चालू कर दिया। अब उसे शर्तों के अनुसार ए को बेनिफिट में कुछ पैसा देना, अगर मान लो बी ए को पैसे देने बंद कर देता है तो यहाँ पे ए का जो लोन है, देखिए ए ने जो बी को 50,000 रुपए दिए, आपके सामने की बात है कि
कि ना तो उसने कोई चेक लिया, ना कोई लिखा पढ़ी की, ना कोई स्टाम्प लिया, मित्रता में ऋण दिया है। ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन है। लेकिन ये का इस पर इसमें इंटरेस्ट क्या है? तो कह साहब, एक का इस तबेले में होने वाली इनकम जो होगी, जो एक बड़ा दो भाग तो ये लेगा और एक बड़ा दो भाग ये लेगा, इस एक बड़ा दो भाग में से, यानी कि ये जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी में एक का बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है और इसे ही अनुयोज्य दावा कहा गया है। बात समझ आ गई होगी। अब वापस डेफिनेशन को देख लेते हैं। दो ही लाइन की डेफिनेशन दी हमने कि भाई अनुयोज्य दावों में शामिल है सभी प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है? तो सब प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन शामिल है और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट शामिल है किसमें? मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरी इंटरेस्ट और अनसिक्योर्ड लोन, ये होता है एक्शनेबल क्लेम। अब आप 10 बार आपके एक्ट में दी गई डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, मुझे लगता है कि अब थोड़े थोड़े वो कलिष्ट शब्द भी और वो कठिनाई भरी डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी दिमाग में हमारे घुसने लगेगी। ये बहुत इजी वे में कंसेप्ट आपको दिया एक्शनेबल क्लेम का। चलिए, तो ये दूसरा शॉर्ट नोट पूछा जा सकता आपसे एक्शनेबल क्लेम का। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, दैट इज अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या होता है? साहब हिंदी में इसे अनुप्रमाणन कहा गया। क्या कहा गया? अटेस्टेशन को अनुप्रमाण। देखिए, ये वो वाला अटेस्टेशन नहीं है जो हमने डॉक्यूमेंट्स पर करा था। ये कोई वो पहले, आजकल सेल्फ अटेस्टेशन का जमाना है, अपने अपनी ही मार्कशीट हम सेल्फ अटेस्ट कर देते हैं, वो नहीं है। बेसिकली अटेस्टेशन क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अनुसार? तो किसी दस्तावेज पर दो या दो से अधिक या कम से कम दो साक्षियों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ टू और मोर विटनेसेस और कॉम्पिटेंट विटनेसेस ऑन टू अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज पर दो या दो से अधिक साक्षियों के हस्ताक्षर जो इस बात का सबूत है कि वे दस्तावेज के निष्पादकों को जानते हैं, पहचानते हैं, और उन्होंने दस्तावेज के निष्पादकों को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए, अंगूठे लगाते हुए, चिन्ह बनाते हुए देखा। देखिए, दो विटनेस हैं जो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे, और किस बात की गवाही दे रहे हो? वो इस बात की गवाही दे रहे, वो ये बात कह रहे कि साहब ये जो दो ए और बी जो ये जमीन खरीद रहे बेच रहे, इसमें से ए को मैं जानता हूं, बी को वो कहता है मैं जान, मतलब हम इन्हें जानते हैं। विटनेस क्या कह रहा है कि दस्तावेज के एग्जीक्यूटर यानी कि खरीदने बेचने वाले को हम जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरी बात विटनेस क्या कह रहा है? दूसरी बात विटनेस ये कह रहा है कि ये जो खरीदने बेचने वाले ए बी हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट पर हमारे सामने सिग्नेचर किए हैं, हमारे सामने अंगूठे लगाए हैं, हमारे सामने इन्होंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, या फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया है हमारे गवाहों के सामने कि साहब हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया है। तो इस बात को कहते हैं अटेस्टेशन। अब ये अटेस्टेशन है क्या, किसका उद्देश्य क्या है? तो कि साहब इसका उद्देश्य ये है कि दस्तावेज पे जो अनुप्रमाणन साक्षी है, जिन्होंने विटनेस के रूप में डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड किया है, वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दस्तावेज का जो निष्पादन है वो स्वेच्छा हो गया है, राजी खुशी हो गया है, कोई दबाव में नहीं हुआ, किसी पक्षकार को चाकू नहीं दिखाया गया, किसी को गन पॉइंट पे साइन नहीं कराया गया, बिल्कुल वॉलेंटरली स्वेच्छापूर्वक डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब कि स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी असम्यक असर के पक्षकारों के बीच में निष्पादित हो गया है। तो इसे कहते हैं अटेस्टेशन। समझ गए हैं बात को? अगर पूछा जाए तो अटेस्टेशन के बारे में हमें ये बातें कर देनी है, लिख देनी है, एग्जामिनर आपकी बात समझ जाएगा और मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे।
आगे चले। एक डेफिनेशन आपको सूचना की दिखाई पड़े, नोटिस। देखिए नोटिस क्या होता है, तो दो तरह की नोटिस आप दो ही समझा दोगे बहुत है। एक तो डायरेक्ट नोटिस होता है, वास्तविक सूचना होती है, दूसरी प्रलक्षित सूचना होती है। जैसे मैंने आपको सामने सामने कोई सूचना दी तो वो डायरेक्ट नोटिस है, मैंने आपको घर पे लिख के भी भेज दिया और आपको प्राप्त हो गया, आपको चीजें नॉलेज में आ गई, आप तो वो नोटिस डायरेक्ट नोटिस कहा जाएगा, वो सूचना सीधी सूचना कही जाएगी, प्रत्यक्ष सूचना कही जाएगी। कई बार नोटिस कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होता है, प्रलक्षित सूचना भी होती है। प्रलक्षित सूचना क्या होती है, या प्रलक्षित का अर्थ पहले समझ जाए तो सूचना भी समझ जाएंगे। प्रलक्षित का अर्थ होता है कि घटना घटती नहीं है, घटी हुई मान ली जाती है। थिंग्स डिड नॉट हैपन बट डीम टू बी हैपन। देखिए आप लोगों के इम्तिहान है, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मान लीजिए आपके इम्तिहान का टाइम टेबल चिपका दिया गया, चस्पा कर दिया गया। अब क्या कोई स्टूडेंट आप में से ये कह सकता है क्या कि साहब मैं तो कॉलेज आया ही नहीं था तो मुझे तो पता ही नहीं, और मैंने तो वो नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल पढ़ा ही नहीं, क्या वो ऐसी बात कर सकता? क्या ये नहीं माना जाएगा कि टाइम टेबल की उसे सूचना है? माना जाएगा ना, आप कॉलेज नहीं गए, आपने नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि आपने टाइम टेबल देख लिया है, हो गया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। घटना घटती नहीं है, घटी हुई मान ली जाती है, इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। कई बारी कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिया जाता है, जैसे हम जैसे वकालत के क्षेत्र में हम किसी को नोटिस भेजते हैं, हम किसी को कोई सूचना भेजते हैं, और सामने वाले के पास जब वो डाकिया सूचना लेकर जाता है पोस्टमैन, तो मान लीजिए उसके घर में कोई लेने से मना कर देता है, कहता है नहीं साहब हम नहीं लेंगे ये नोटिस है। कोई व्यक्ति खुद का है वो भी मना कर देता है, नहीं मैं नहीं लूंगा साहब, तो वहां पे डाकिया या पोस्टमैन उस लिफाफे के पीछे लिख देता है कि रिफ्यूजल फ्रॉम टेकिंग, लेने से इनकार कर दिया। हम अगर वही नोटिस या वही लिफाफा कोर्ट में पेश कर देते हैं और वहां लिखा हुआ होता है कि रिफ्यूजल, तो कोर्ट ये मान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति को उस लिफाफे में जो लिखा है उसकी सूचना हो गई है, चाहे उसने ना लिफाफा लिया है, ना खोला है, ना पढ़ा है। लेकिन इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एलएलबी के विद्यार्थियों के लिहाज से नोटिस में इतनी ही बात करना ठीक है, वरना तो इसे बहुत लंबा चौड़ा 2-3 क्लास तक डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको दोनों ही तरीके के नोटिस बता दिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। सेक्शन 5 में संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिफाइन किया था कि जब कुछ जीवित व्यक्तियों को संपत्ति के स्वत्व, स्वामित्व या अन्य अधिकार अंतरित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को धारा 5 में संपत्ति का अंतरण कहा गया। अब ये डेफिनेशन पोर्शन से कुछ बातें थी, इनमें से शॉर्ट नोट्स आपको मिलना ही मिलना चाहिए, और भी हमारे जो डिस्कशन में बातें आएगी उनमें भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा। कुछ सवालों पे बड़े सवाल मिलेंगे कुछ आस्पेक्ट पे, तो एक बड़ा सवाल के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर। ऐसा व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है, तो कुछ बातें हैं जिनका अंतरण नहीं हो सकता है टीपीएट के अनुसार। क्या नहीं हो सकता, तो के साथ संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने की संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मियर प्रोबेबिलिटीज टू गेट प्रॉपर्टी इन सक्सेशन। कोई व्यक्ति ये उसको ये संभावना है कि साहब मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद तो सारी संपत्ति मुझे ही मिलने वाली है, तो मैं इन संभावनाओं का अंतरण कर दूं कि साहब मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की डेथ के बाद मिलेगी, इसलिए मैं आपको ये ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मात्र संभावनाओं का अंतरण है। क्यों कि किसने देखा
जो पुत्र प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु पिताजी से पहले हो जाए तो क्या वो कभी संपत्ति का स्वामी बन पाए? नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि केवल मात्र संभावनाओं का अंतरण या उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने की संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता है। नंबर टू, पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण, राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर। राइट टू री एंट्री कभी सेपरेटली ट्रांसफर नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी कि राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर। सपोज कीजिए ए एक व्यक्ति है, वो अपना एक खेत है, ये अपना ये खेत बी को लीज पर दे देता है, पट्टे पर दे देता है। लीज कर कितने साल के लिए? लीज 5 years के लिए कर देता है। तो ये ने अपने 5 साल के लिए इस भूमि को पट्टे पर दे दिया बी को, ठीक है। अब मान लीजिए पैसा भी ले लिया ये ने पट्टे का, किराया जो भी है, लेकिन ए को और भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ी, तो 5 साल के लिए पट्टे पर दे दिया, लेकिन 2 साल बाद इसे और पैसों की जरूरत पड़ी, तो ए ने ये पूरी लैंड जो है वो सी को बेच दी, सेल कर दी। अब ए ने सी बी को, ए ने सी को सेल कर दी, तो यहां पे जो सी है उसे इस प्रॉपर्टी में राइट टू री एंट्री है 5 साल खत्म हो जाने के बाद। सी जो है इस प्रॉपर्टी को बी से ले सकता है, तब तक नहीं ले पाएगा। राइट टू री एंट्री यस, ए जो है ये राइट टू री एंट्री सेपरेटली ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए ने किसी को प्रॉपर्टी पट्टे पर दे दी है, ये बी को ये नहीं कह सकता कि तुम ये मेरी जगह तुम इस प्रॉपर्टी पे ले लेना, नहीं, ये सेपरेटली ट्रांसफर नहीं होगा री एंट्री का राइट। अगर इसने पूरी लैंड ट्रांसफर कर दी है, भूमि ही अंतरित कर दी है, तो भूमि के साथ साथ पुनः प्रवेश के अधिकार का भी अंतरण हो जाएगा। लेकिन अगर ये केवल मात्र पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरण करे, तो ऐसा अंतरण ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर, पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, मियर इजमेंट्री राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर, केवल सुखाधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो क्या होते हैं सब सुखाधिकार? आप लोग सब समझते हो कि अपनी भूमि के बेहतर उपयोग उपभोग के लिए यदि हमें किसी दूसरे की भूमि पर कोई अधिकार मिलता है, तो इसे हम सुखाधिकार कहते हैं, इजमेंट्री राइट कहते हैं। मान लीजिए ये एक घर है, ये एक घर है, और ये भी एक मकान है। इन तीनों मकानों में रास्ता जो है जाने का ये भी इसी रास्ते से यूज करके जाएगा, ये भी यहीं से जाएगा, ये भी यहीं जाएगा, कॉमन गली है। तो ये गली जो है, ये जो गली है, ये गली कॉमन है और ये रोड है। तो ये रोड है, रोड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आने जाने की तीनों की गली एक ही है। तो कोई व्यक्ति अगर अपना मकान ट्रांसफर करता है तो इस गली को थोड़ी ना ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि ये गली इजमेंट्री राइट है, ये गली सुखाधिकार के रूप में काम आ रही है। तो जो सुखाधिकार है उसका केवल सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति ये गली बेचकर नहीं जा सकता है। हाँ, अगर वो संपत्ति बेचेगा तो संपत्ति बेचने के साथ साथ गली में आने जाने का अधिकार अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मियर इजमेंट्री राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर, केवल सुखाधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसी तरह भावी भरण पोषण के अधिकार का अंतरण भी नहीं किया जा सकता। भावी भरण पोषण का मतलब होता है कि मान लीजिए एक महिला है, उसने कोर्ट में मेंटेनेंस का अपने पति के खिलाफ दावा किया। कोर्ट ने कहा कि साहब हर महीने इस महिला को 5,000 रुपये मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब वो महिला मान लीजिए मेरे पास आए, क्या कि साहब आप एक काम करो, मुझे आप 50,000 रुपये उधार दे दो या 50,000 रुपये दे दो,
मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आने वाले 10 महीनों में जो 5,000 रुपये कोर्ट से मुझे मिलेंगे वो मेरी जगह आप ले लेना, ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ऐसा ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भावी या भविष्य में उसे मिलने वाला भरण पोषण है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज वो मेरे से 50,000 रुपये लेके जाए, कल को अगले महीने उस महिला के साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो वो भरण पोषण तो उसी का है, उसी को मिलेगा, मुझे नहीं मिल सकता है। चाहे वो ऐसा ट्रांसफ़र कर दे, पर वो ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वैलिड नहीं होता है। अगली बात, वाद लाने के अधिकार का भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी के मेरे पांव में चोट लगी है, तो उस चोट के लिए कॉम्पनसेशन का अगर कोई वाद लाना है तो वो वाद मैं ही ला पाऊंगा, कोई तीसरा व्यक्ति को मैं ये नहीं कह सकता कि साहब आप तो मेरे इलाज का 2,00,000 रुपये दे दो और ये वाद लाने का अधिकार ही मैं आपको दे देता हूँ, और कोर्ट से आपको मिले 5,00,000, 10,00,000 जितना भी मिले आप रख लेना। ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये केवल मात्र वाद लाने का अधिकार है, ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है जिसने कोई क्षति उठाई है, जिसको कोई नुकसान हुआ है, तो वही केवल वाद ला सकता है। ही कैन नॉट ट्रांसफर मियर राइट टू सू। लोक पदों का अंतरण नहीं किया जा सकता, पब्लिक ऑफिसेस ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। आज मान लीजिए आप हो, मैं हूं, हमने मेहनत करके किसी पब्लिक ऑफिस को प्राप्त कर लिया, हम नौकरी लग गई, आरजेएस बन गए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में चले गए, जज बन गए, हैं, और अब मान लो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, आज नहीं तो कल फिर जज बन जाऊँगा, फिर परीक्षा पास कर लूँगा। मेरा छोटा भाई जो है वो इतना होशियार नहीं है, तो मैं क्या परीक्षा पास करने के बाद अपनी नौकरी उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये भी वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है, कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। अगली बात, पेंशन वृत्तिकाएं, पेंशन एंड स्टाइफंड्स, तो जिस व्यक्ति की जो पेंशन है वो उसे ही मिलेगी, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका पर्सनल राइट है। इसी तरह ऐसी चीजें जिनका अंतरण प्रकृति के विरुद्ध है, नेचर के अगेंस्ट है, अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तुम्हारे सितारे बिछाते, कोई कहता है मैं चांद तारे का ट्रांसफर कर दूंगा, हवा पानी ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है भैया, हवा पानी ट्रांसफर योग्य नहीं है। तो ऐसी संपत्तियां जिनका अंतरण प्रकृति के प्रतिकूल हो, एडवर्स टू द नेचर हो, वो भी ट्रांसफर, हवा पानी जल ये सब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी संपत्तियां जिनका अंतरण विधि के विरुद्ध हो, तो अगेंस्ट द लॉ हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि मैं आपको 4 किलो गांजा सप्लाई करूंगा, तो गांजा सप्लाई करना अगेंस्ट द लॉ है, विधि विरुद्ध है, ठीक है। अफीम, चरस, गांजा जो भी सप्लाई करना विधि में बाधित है, उनको सप्लाई करने ट्रांसफर करने का करार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कुछ शॉर्ट नोट्स और एक बड़े सवाल के बारे में बताया है। ट्रांसफर ऑफ वीडियो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर में कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जो टेक्निकल हैं, जैसे कि ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन कैसे होता है, अजन्मे व्यक्ति को अंतरण कैसे किया जाता है, वो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपको पूछा जा सकता है सेक्शन 35 में, और आपको सेक्शन 17 में अक्यूमुलेशन का प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। सेक्शन 41 में आपको दृश्यमान स्वामी ऑस्टेंसिबल ओनर, 43 में अनऑथोराइज ओनर, फिर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 50 में, 53 ए में, और लिस्पेंडेंस 51 में, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इन पर भी मुझे समय मिलेगा, एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चाहते हैं कि ये जो विषय मैंने टेक्निकल और बोले इन पे मैं आपकी वीडियो बना के जो कल परसों आपका एग्ज़ाम होने वाला उसमें मदद करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि कल तक वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊँ। चलिए, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।